हैं। मानी ये क्या, ये हम कहाँ पर हैं जरा तुम मानी इधर आओ, ये ले लो फोन। अच्छा एक्चुअली हमारा अपना किचन है जो हमने सबसे पहले बताओ हम क्यों आए हैं और हम आप कौन हैं और हम कौन हैं सब बताना पड़ेगा आपको। जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान। ये आदमी है, ये एक्चुअली हुआ ये कि हम हिराव में जो है हम लोग दो चार दिन पहले एक इंटरनेट पे, जैसे पता है टीवी तो कोई देखता नहीं, इंटरनेट टीवी होते थे, तो हसन एक दोस्त है हमारा, वो एक इंटरव्यू कर रहा था आपका, तो हमने कहा कि क्यों ना हम जाएं, क्योंकि मैं सुनता था लास्ट ईयर हुआ था, मैं आ नहीं सका था, लेकिन बातें बड़े मजे की लगी आपको यार। हमारे वॉलंटियर वहाँ काम कर लो यार प्लीज। हाँ। आप लोग काम, तुम लोग काम करो, तुम लोग काम करो। तो ये अभी हम हैं इस वक्त निश्तर पार्क कायदम का मजार, बोरा सामने सामने कायदम मजार नजर आ रहा हो, ये कायदम मजार है। ये वाहिद किचन है पाकिस्तान का जो किसी चौक पे लगा हुआ है, क्योंकि किचन है। और ये कोई आज मानी आज कितने लोग आए होंगे अंदाजन, 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए शहरी का। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है पाए भैंस के, ये फेवरेट पाए मेरे दोस्त। ये 200 यानी 20 दे गए अलग है 200 किलो, ओके। बाकी तकरीबन यहाँ पर 1300 किलो बकरे के पाए हैं, ओके ठीक है। 130 दे गए अलग है, 25,000 रोटी रखी हुई है हमारे अपने तंदूर पे, रोटी अलग पकड़ी है पाकिस्तान में किसी चौक पे लगा हुआ वाहिद तंदूर है। आप बेरोजगार हैं आइए, 25 रोटी घर ले जानी है, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन मजे की बात ये लगी मुझे कि हर तरह की तबके के लोग बैठे हुए हैं आज की शहरी। हमारे एक देवबंदी डोनर है, उनके मरहूम वालिदैन की जानिब से है, कल की एक बरेलवी थे, उससे पहले एक देवबंदी थे, फिर शेख आरिफ साहब खुद देवबंदी सेठ है जुड़िया बाजार के, उन्होंने ये 4,000 थाल खरीद के भी दिए हैं। ये पहला दस्तरखान है पाकिस्तान का जहाँ पर शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस महाजिर पठान सिंधी कोई किसी से उसका मजहब मसलक रंग नस्ल नहीं पूछ रहा है। और चूंकि इस पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठा लिया दहशतगर्दी, शहर ने खास तौर पे शहर का तो कराची का तो बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारा किचन है, ये तंदूर है, दो तंदूर है, एक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रोटियां बनती हैं सारा दिन सारी रात। आए मैं आपको दिखाऊं आज क्या हो रहा है। देवा बाबा कौन सी आइसक्रीम खा रही है, देवा शहनाज हमारी हर दिल अजीज। देवा बाबा के साथ दो प्रॉब्लम चल रही है, एक इनका अपना भतीजा 9 साल का जो हमारे साथ काम करता था, इस वक्त अस्पताल में दाखिल है, इनका जवान साल भतीजा लंदन में अगवा हो गया है। देवा बाबा कहते हैं परसों लंदन भी जा रही है, बहुत टेंशन में, उसके बावजूद अफतारी में भी यहाँ पर है, तकरीबन 1500 लोगों को अफतारी सर्व करने में हमारा साथ दे रही है, और शहरी में डेली 10 से 12,000 और हफ्ते और इतवार को 20,000 लोगों को सर्व करने में ऐसे साथ दे रही है जैसे कोई माँ अपने बच्चों का साथ। आज हफ्ता है, इंशाल्लाह रिकवर होगा, सही होगा इंशाल्लाह। 20,000 के करीब लोग हैं इस वक्त यहाँ पे, जेडीसी वाले ये करवाते हैं, जेडीसी का नाम है, और हर तरह की कम्युनिटी यहाँ बैठी हुई है, हर तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डोनर्स हैं वो आते हैं, और ये मंजर देखने वाला है। ये हमारा शहर कराची जो है वो एक अजीम शहर है, और इसे कराची में आपको मिलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और शहर की ये बरकत नहीं। किधर और ये सीन सिर्फ आपको कराची में मिलेगा। आज तेरी सही के मौके पर पाकिस्तान के मारूफ अदाकार मानी साहब और उनकी सौजाहिरा मानी इस हमारे दरमियान मौजूद है, गुजारिश करूंगा मानी साहब से कि कराची की ये शक्ल देखकर कि जहां 20,000 लोग एक साथ आज इस गुरुवार की सुख शहरी अफतारी करते हैं क्या कहेंगे। जैसे हम लोग की खास अभी अभी शहरी होने वाली है, उसके लिए जल्दी बता के रखे, एक मांग आएगी उनके 1-2-3 कराची करें, उनके कराची 1-2-3 भाई शहरी से पहले ये नहीं लोगों में चाहिए, अभी शहरी आने वाले बहुत मजे के पाए हैं यहाँ पे कराची में। यहाँ हम कहाँ पर हैं, नुमाइश चौरंगी पे, यहाँ पर दस्तरखान है जी इमाम हसन का, आप यहाँ पर आए और निहारी पाए खाए, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मेरी वाइफ भी है हीरा मानी, इनको सब जानते होंगे आजकल, ये सबको माफ।